ऑलराइट गाइस, तो इस मशीन को बनाने के लिए जो पार्ट यूज होंगे उसके बारे में पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आप कमेंट करके पूछते हो कि भाई ये पार्ट कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले चाहिए हमें एक BLDC मोटर जो ऑनलाइन मिल जाएगा या आपके आसपास मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हो, 775 BLDC मोटर। दूसरा चाहिए कनेक्टिंग रॉड जो इसके स्लाइडिंग सिस्टम को मोटर से कनेक्ट करेगी, तो वो मिलेगी हमें सिलाई मशीन के पीछे की जो हिस्सा होता है ना उसके अंदर ही पार्ट लगा होता है कनेक्टिंग रॉड, ये आपको सिलाई मशीन वालों के यहाँ से मिल जाएगी, और उसमें कनेक्ट होने वाली दोनों पिनें भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ है इसका स्लाइडिंग सिस्टम, जो किचन के अंदर जो ड्रॉर लगे होते हैं उसके अंदर लगता है, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से, जहाँ किचन वगैरह के ड्रॉर वगैरह बनते हैं या उनका सामान मिलता है हार्डवेयर वाले के से, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका हैंडल PVC पाइप का है और इसका जो बेस है जिस पर रेगमाल लगा है वो मैंने MDF का बनाया। 3 दिन से इसे यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रही है, रेगमाल जो है इसका पूरी तरीके से घिस चुका है, आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छे से काम करेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक स्लाइडिंग सिस्टम, तो ये बता ही चुका हूँ कहाँ से मिलेगा। इसके ऊपर के बैरिंग हमें निकाल लेने हैं और निकालने का सिंपल तरीका है, ऊपर की रबड़ हमने निकाल दी और आगे की जो पत्ती है इसको भी हम सीधा कर देंगे, तो स्लाइडिंग सिस्टम बहुत ईजिली आगे की तरफ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया और इस तरह हम बैरिंग निकाल देंगे, ठीक। बैरिंग निकालने के बाद इस स्लाइडिंग सिस्टम को हम काटेंगे। सो गाइस, बैरिंग बहुत सिंपली बाहर निकल के आ जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्लाइड चाहिए। अब इसको हमें 6 इंच का काट लेना है, तो उसके लिए चाहिए हमें स्केल, एक निशान लगा लेंगे और नीचे का पीस जो है इसके उसको नहीं काटना है, तो ऊपर वाला पीस 6 इंच काट लेना है हमें, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से इजीली ये कट जाएगा और आसानी से स्लाइड करेगा। इसके काटने के बाद हम चलेंगे आरा मशीन पे और यहाँ पे MDF के 2 पीस कट कर रहे हैं हम। इसमें 6x3 का ये पीस है, आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसको एरालाइट लगाने के बाद हम इसी बेस के पीछे की तरफ चिपका देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर हम रेगमाल की प्लेट लगाएंगे, तो इसको सूखने देते हैं, एरालाइट का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हो इतने वो सूखता है, मोटर के ऊपर एक बुश वेल्ड करा लेते हैं हम, और ये जो बुश है ये कनेक्टिंग रॉड के साथ ही आता है, जिस कनेक्टिंग रॉड की मैंने शुरू में बात बताई थी आपको, ठीक है। तो इस बुश को हम यहाँ पे मोटर पे वेल्ड करा लेंगे, तो ये एक क्रैंक की तरह काम करेगा, ठीक है, और मोटर को ठंडा कर लेना फौरन। उसके बाद हमारा मोटर कुछ इस तरीके का लगेगा, यही वो कनेक्टिंग रॉड है, इसके अंदर ये इजीली काम करेगा क्योंकि ये बुश इसी का है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेस है इसके ऊपर आप रोलर लगा देख रहे हो, ये इस कनेक्टिंग रॉड का दूसरा पार्ट है जो इसके अंदर हमने लगा दिया होल करके। यहाँ पर अपना मोटर लगाना है और इसको मोटर को यहाँ फिट करना है, तो मोटर जब राउंड लेगा तो ये स्लाइड करेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं इसको काट रहा हूँ और मोटर के लगाने के लिए जगह बना रहा हूँ। ये मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगा ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। सो गाइस, मोटर के और उस प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप जो आपने देखा उसको फिल करने के लिए यहाँ पे हम एक पैकिंग लगा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम चिपका देंगे एरालाइट की सहायता से और इसके ऊपर मोटर को फिक्स कर देंगे। इसको 15 से 20 मिनट हमें सूखने देना है और उसके बाद इसके अंदर हम होल करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे होल कर लें ताकि हम यहाँ पे मोटर को फिट कर सकें। अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जो पीस हमने आरा मशीन पे MDF का कटवाया था उसके ऊपर मैं रेगमाल चिपका रहा हूँ, तो सिंपली एल्फी की सहायता से इसके ऊपर रेगमाल चिपका लें ताकि ये प्लेट को हम बदल सकें। जो प्लेट हमने बेस के ऊपर चिपकाई है इस प्लेट को हम उसके ऊपर टाइट कर देंगे, रेगमाल घिस गया तो दूसरी प्लेट लगा दो, या हमें मोटा या पतला रेगमाल लगाना है सैंडिंग पेपर, तो अलग अलग प्लेटें इस तरीके की बना के रख लो। सो गाइज, हमारा स्लाइडर कुछ इस तरीके का लग रहा है, ये पीछे का बेस हो गया, यहाँ पे मोटर लगेगा हमारा और ये ऊपर के स्लाइड सिस्टम के अंदर मैंने 4 होल कर दिए ताकि प्लेट को टाइट कर सके। अभी जो हमारी मोटर है इसको हमें फिट करना है, इसको हमने क्रैंक की तरह बना दिया है बुश लगा के, तो इस मोटर को हम यहाँ फिट करेंगे और बाकी मैकेनिज्म इसका फिट करना शुरू करते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से फिट होगा। तो
गाइज यहाँ आप देख सकते हो कि मोटर के घूमने से स्लाइडर ऊपर नीचे चलेगा क्योंकि कनेक्टिंग रॉड इसके साथ अटैच है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो बेस हमने बनाया था, जिसके ऊपर रेगमाल हमने लगाया था, उस बेस को इसके ऊपर चिपका देंगे और पीछे हमने होल किए थे, यहीं से हम स्क्रू लगाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। ये स्क्रू के लिए इसलिए मैंने जगह बना रखी है ताकि इस प्लेट को बदला जा सके, यानी मोटर एक माल लगाना है तो मोटर एक माल की प्लेट लगा दो और बारीक रेक माल लगाना है तो बारीक रेक माल लगा दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईजिली चेंज हो जाएंगी प्लेटें इसके ऊपर, ठीक है। तो स्क्रू पीछे से खोल लें और दूसरी प्लेट हम ईजिली लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मोटर के अंदर कनेक्शन कर दिए। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक सेल से चलाऊंगा लिथियम आयन के, ताकि आप देख सको कि कितने अच्छे से वर्क कर रही है, कितनी ज़्यादा पावर इसके अंदर। तो एक ही सेल से मैं इसको चला के दिखा रहा हूं। सो गाइस अभी टाइम हो गया इसके ऊपर हैंडल लगाने का। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं पीवीसी पाइप और इसको कुछ इस शेप में मैंने काट रखा है, आप देख सकते हो। इसको एज ए हैंडल हम इसके ऊपर यूज करेंगे। तो ये वाला पीस हम लगाएंगे मोटर के ऊपर और इसके ऊपर से ट्रायंगल शेप का पाइप इस पे कनेक्ट करके एक हैंडल बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो किस तरीके से होगा। सो गाइज इस हैंडल को जोड़ने के लिए आप एल्फी या एरालाइट की मदद ले सकते हो। पीवीसी पाइप बहुत अच्छे से ज्वाइंट हो जाता है तो बहुत मजबूत हैंडल बन जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि फिक्स हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसकी कनेक्टिंग रॉड जो हमने खोली थी इसको लगाने के लिए, वापस से वहीं लगा के और इसके स्क्रू को हम टाइट कर देंगे ताकि ये बाद में निकल ना जाए, ठीक है। अब ये रेडी है काम करने के लिए, तो चलो इसको कहीं पर आजमा के देखते हैं। सो गाइज इस मशीन के वायर में मैंने इस तरीके की पिन लगा रखी है ताकि मैं इसको अपनी बैटरी से अटैच करूँ। 12 वोल्ट की बैटरी है। आप चाहें तो इसको अडाप्टर से भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट का कोई भी अडाप्टर लेके आप इसको चला सकते हैं। मैंने वायरिंग इसकी काफ़ी लंबी रखी है ताकि दूर तक भी काम हो सके, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसको चला रहा हूँ बैटरी से, तो ये सारा वायर लपेट के मैं हैंडल के अंदर ही डाल दूंगा और बैटरी को चिपका दूंगा इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसको चिट को हटाते हैं और सिंपली यहाँ पर अपनी बैटरी को अटैच करते हैं और उसके बाद इस पिन को जैसे ही हम बैटरी से अटैच करेंगे हमारी मशीन चल जाएगी। सो गाइज अब टाइम आ गया इसका वर्किंग टेस्ट का, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा काम कर रही है। सो गाइस जैसा आपने देखा कि किसी भी सरफेस को बहुत अच्छे से स्मूथ करती है और किसी भी सरफेस को बिल्कुल सीधा ग्राइंड करती है, क्योंकि बिल्कुल सीधी प्लेट है ये, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। काफ़ी पावरफुल है, मतलब अकॉर्डिंग टू मोटर काफ़ी पावरफुल है। अगर इससे भी ज़्यादा पावर आपको बढ़ानी है तो आप इसके अंदर मोटर चेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि अगर इसको हम चला के नीचे छोड़ दें तो अपने आप ही काम निपटा के अपने टूल बॉक्स में खुद ही चली जाएगी। नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, कोई रोबोट नहीं है, लेकिन एक वर्केबल एक बेहतरीन टूल है। गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।